मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफिस है, उसके ऑफिस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री लोगा दोस्ताना होके सीधा इसको बाबा ब्लॉक के पास गए। मैं बाहर भेजता हूँ, वो करता हूँ, काल इनको उसका बात हो गया। बातचीत होने के बाद में क्या करे, वो 4 दोस्ता 3 गुलबर्ग के हैदराबाद का, चारों मिल के उधर गए। उनको 3-3 लाख रुपये लिया सिक्योरिटी गार्ड का। अच्छा है रशिया में काम, अच्छा है तुम्हारा जॉब, अच्छा है। वो लोग तो 4-5 महीने से उनके फॉलोअर में थे। उसके बाद में आगे पीछे हुए, आगे पीछे होने के बाद में क्या करे, उन्होंने उधर से उधर लेके गया दुबई से बच्चों को इंडिया को। इंडिया से 15 दिन ड्यूटी उनकी ख़त्म करके छुट्टी करके फिर सीधा रशिया को गए। दिसंबर के 16 तारीख को गए वो लोग, तो 2 महीने होने का था। वहाँ जो है जाने के बाद में एग्रीमेंट क्या बोल के करें, रशियन भाषा में हम नहीं करते एग्रीमेंट, इसको जो है ना फ्रॉड है, हमको समझ में नहीं आ रहा रशियन भाषा में, इंग्लिश में करो आप। तो उन्होंने क्या बोले, एजेंट फ़ोन लगा के क्या बोले, नहीं जी आप कॉल करो, सब उनके साथ में हूँ, उनके साथ में हूँ, मेरे साथ में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको सिक्योरिटी गार्ड ही देते हैं। बोलकर बोले बच्चे, हमारे मोदी सरकार से भी, हमारे मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, हमारे देश के जो भी बच्चे गए हैं जो फ्रॉड करके, 10-12 बच्चे ऑलरेडी उनके हैं इसमें चुंगल में, तो सब जितने भी बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे होते हैं, मेरे भाया कोई भी, ये 12 करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए, और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर, रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का 1 है। इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की, तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा, फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। गुलबर्गा शहर के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ लाने का काम करेगी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारी हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।